रूस ने लिया भारत का अमेरिका से बदला। अमेरिका सर पकड़ा, रूस ने अमेरिका की धुखती रख पर रखा हाथ। अमेरिकी दुश्मनों को ला रहा साथ, रूस ने यूक्रेन के साथ अमेरिका की उड़ाई धज्जियां। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जो काम रूस ने कर दिया है उसको देखते हुए अमेरिका भी अपना सर पकड़कर बैठ गया है। अमेरिका की दुखती रख पर रूस ने हथौड़ी मार दी है। अमेरिका यूक्रेन की मदद करके अपने आप को तुर्रम खान समझ रहा था, लेकिन सारी हैकी रूस निकालने की प्लानिंग कर चुका है। रूस ने एक ऐसा दाव चल दिया है जिससे अमेरिका अपनी करनी पर पछताने वाला है। अमेरिका अपना सर दीवार पर मारेगा और सोचेगा काश की ये गलती वो उस समय नहीं करता, जिसका फायदा आज रूस उठा रहा है। अमेरिका की तरफ से एक ऐसी गलती कर दी गई है जिसको आज रूस उसी का फांसी का फंदा बनाकर अमेरिका के गले में डालता हुआ दिखाई दे रहा है, और इस चीज से अमेरिका को बहुत बड़ा झटका लगा है। अमेरिका समझ गया है कि उसका कोई हल्के फुल्के देश से पंगा नहीं हुआ है, बल्कि रूस अमेरिका को पानी पिलाता हुआ दिखाई दे रहा है। एक साथ रूस यूक्रेन समेत अमेरिका पर भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो चलिए जानते हैं पूरी बातों को डिटेल में और समझने की कोशिश करते हैं कि अमेरिका को किस तरीके का नुकसान होने वाला है। लेकिन उससे पहले आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लेकर बताइए कि अमेरिका को रूस अकेले संभाल सकता है या फिर नहीं। आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लेकर अवश्य बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सब तक ये जानकारी पहुंच सके। दोस्तों, ये बात किसी से छिपी हुई नहीं है कि यूक्रेन के ऊपर हमला करने के बाद रूस को भी काफी ज्यादा भारी नुकसान हुआ है। हमें देखने को मिला है कि इस युद्ध में रूस यूक्रेन के साथ साथ दुनिया के हर एक देश इसकी चपेट में आए हैं, और हर एक देश को कुछ न कुछ तरीके से नुकसान ही हुआ है, और इस लिस्ट में अमेरिका का भी नंबर आता है। इस युद्ध की वजह से अमेरिका भी कहीं का नहीं रहा, और इस युद्ध को बढ़ाने के लिए अमेरिका ने अपना पैसा, हथियार, सब कुछ लगा दिया है। लेकिन अब यही चीज हमें उल्टी पड़ती भी दिखाई दे रही है, और हमें देखने को मिल रहा है कि अब खुद नाटो देश इसका विरोध करते हुए चले जा रहे हैं। इसके अलावा रूस भी इसी इंतजार में बैठा हुआ था। अब देखने को मिल रहा है कि रूस की तरफ से भी अब अमेरिका की सबसे बड़ी कमजोरी के ऊपर हमला कर दिया गया है। दोस्तों, खबर निकल के आ रही है कि अमेरिका ने अफगानिस्तान के जिन सैनिकों को ट्रेनिंग दी थी, अब उन सभी सैनिकों को रूस ने यूक्रेन के खिलाफ भेज दिया है। जो अमेरिका अपनी सुरक्षा के लिए अफगानिस्तान के सैनिकों को ट्रेनिंग देकर आया था, अब वही सैनिक यूक्रेन के खिलाफ रूस के साथ होकर लड़ेंगे। अमेरिका जिस अफगानिस्तान को लेकर दो दशकों तक उलझा रहा, वही अफगानिस्तान अमेरिका के लिए गले का फंदा बनकर सामने उभर रहा है। दोस्तों, पिछले साल हमें देखने को मिला कि अमेरिकी सेना अचानक से अफगानिस्तान छोड़कर निकल गई और अमेरिका का ही साथ दे रहे अफगान सैनिकों को मारने के लिए छोड़ गई। अफगान सैनिकों को अमेरिका की सेना ने ट्रेनिंग दी थी, और अब हमें देखने को मिल रहा है यही अफगान सैनिक रूस के लिए हथियार बन गए हैं। हमें देखने को मिल रहा है कि ये अफगान सैनिक उसे यूक्रेन के ऊपर हमला करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिनकी मदद अमेरिका कर रहा है, जिसके साथ अमेरिका खड़ा हुआ है। दोस्तों, हमें देखने को मिल रहा है कि इस समय भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर रूस के दौरे पर जाने वाले हैं। इसके अलावा भारत के पीएम नरेंद्र मोदी भी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से कई बार मिल चुके हैं और उनको समझाने की कोशिश की है। लेकिन यहाँ पर अब हमें हालात ऐसा होता हुआ दिखाई दे रहा है कि यूक्रेन के साथ साथ अब पुतिन खुद अमेरिका की भी गर्दन मरोड़ देंगे। इस मौके पर कहीं ना कहीं भारत को काफी ज्यादा खुशी होती हुई दिखाई देगी, क्योंकि भारत का दुश्मन बन रहे अमेरिका को रूस ने सबक सिखा दिया है, और जिस तरीके से भारत को दिखा दिखा कर अमेरिका पाकिस्तान की मदद करता हुआ चला जा रहा था, उसको उसकी करने की सजा अब रूस देता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है कि अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति कभी भी अपनी दिशा बदल सकती है। कब कौन सा दोस्त कब हमारा दुश्मन बन जाए और कब कौन सा दुश्मन कब हमारा दोस्त बन जाए, इसको लेकर कुछ भी कहा नहीं जा सकता। हमें देखने को मिला था कि 70 के दशक में अफगानिस्तान के ऊपर अपना दबाव बनाने के लिए सोवियत संघ ने वहां अपनी फौजें भेजे। अमेरिका ने सोवियत संघ को रोकने के लिए आतंकवादी गुटों को बनाया और पाकिस्तान की सहायता से तालिबान बनाया, जिसको अमेरिका की तरफ से ट्रेनिंग भी दी गई और पैसा भी दिया गया। बाद में इन्हीं आतंकवादियों ने अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड टावर पर हमला कर दिया, और अमेरिका ने इन्हीं आतंकवादियों को खत्म करने के लिए अफगानिस्तान के ऊपर हमला किया। तालिबान और दूसरे आतंकवादी गिरोह से निपटने के लिए अमेरिका ने अफगानिस्तान की सेना को ट्रेनिंग दी और उन्हें पैसा मुहैया करवाए। लंबे अभियान के बाद अमेरिका को भी उल्टे पांव लौटकर जाना पड़ा और तालिबान वापस अफगानिस्तान की सत्ता पर अपने पैर पसार लिया। अफगानिस्तान की वो सेना जिसे अमेरिका ने ट्रेन किया था, इसके बाद वो सेना बिछड़ गई और पूर्व अफगान सैनिक इस समय मारे मारे फिर रहे हैं। और अब खबर निकल के आ रही है कि ऐसे सैनिकों को रूस अपनी तरफ से यूक्रेन के खिलाफ लड़ पाएगा। दोस्तों, इस चीज से आप इतना तो समझ गए, अफगानिस्तान के वो सैनिक जिसको अमेरिका ने ट्रेन किया था ताकि अमेरिका अपने साथ खड़ा करके उस सैनिकों को तालिबान और दूसरे आतंकवादी गिरोह के खिलाफ लड़वा सके। लेकिन यहाँ पर अब यही अफगानिस्तान के सैनिक यूक्रेन के खिलाफ लड़ते हुए दिखाई देने वाले हैं। बताया यह भी जा रहा है कि ऐसे सैनिक को ईरान के रास्ते तक पहुंचाया जा रहा है। अफगानिस्तान की जब सेना बिखरी थी तो उस समय बड़ी संख्या में अफगानिस्तानी सैनिक कजाकिस्तान की तरफ भाग गए थे, और कजाकिस्तान रूस का सहयोगी है, जिसकी वजह से रूस को ऐसे सैनिकों को ढूंढना ज्यादा मुश्किल नहीं हो रहा है।
और अब वही रूस इनको यूक्रेन के खिलाफ लड़ जाने का प्लान कर चुका है। वैसे रूस की इस रणनीति को देखकर आप क्या कहना चाहेंगे? आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर आप उसे बताएं। दोस्तों, वहीं चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने बुधवार को पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ के साथ बातचीत के दौरान पाकिस्तान में चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे के परियोजनाओं पर काम कर रहे चीनी नागरिकों की सुरक्षा को लेकर गहन चिंता प्रकट करते हुए उनके लिए सुरक्षित माहौल की जरूरत बताई। शहबाज शरीफ दो दिन की चीन यात्रा पर मंगलवार रात बीजिंग पहुंचे। उन्होंने जिनपिंग से मुलाकात की और इस दौरान दोनों ने अपनी सदाबहार दोस्त को और मजबूत करने तथा 60 अरब डॉलर लागत वाले सीपीसी को लेकर सहमति जताई। सी ने बीजिंग के ग्रेट हॉल ऑफ पीपल में शरीफ से मुलाकात के दौरान कहा, मैं पाकिस्तान में चीन के लोगों की सुरक्षा को लेकर बहुत चिंतित हूँ और उम्मीद करता हूँ कि पाकिस्तान चीनी संस्थाओं तथा सहयोग के लिए पाकिस्तान जाने वाले लोगों के लिए भरोसेमंद एक सुरक्षित माहौल प्रदान करेगा। जिसने हाल में हुई कम्युनिस्ट पार्टी की कांग्रेस में 69 वर्षीय को अभूतपूर्व तरीके से 5 साल के तीसरे कार्यकाल के लिए चुने जाने पर उन्हें मिलकर बधाई दी। सी ने पाकिस्तान में काम कर रहे चीनी नागरिकों पर बलूच नेशनलिस्ट आर्मी और अन्य उग्रवादी समूहों के बार बार हमलों को लेकर करीब 2 महीने के अंदर दूसरी बार चिंता प्रकट की है। ये समूह सीपीसी के तहत अशांत प्रांत में चीनी निवेश का विरोध कर रहे हैं। शरीफ की ये यात्रा अप्रैल में पीएम पद संभालने के बाद से उनकी पहली चीन यात्रा है। हालांकि पीएम बनने के बाद सी के साथ उनकी ये दूसरी मुलाकात है। उन्होंने पिछले महीने उज्बेकिस्तान के समरकंद में शंघाई सहयोग संगठन से इधर सी से मुलाकात की थी। समरकंद में शहबाज से मुलाकात के दौरान सी ने सीपीसी की परियोजनाओं पर काम कर रहे सैकड़ों चीनी श्रमिकों के संरक्षण की बात कही थी। खबरों के अनुसार अपने कामगारों पर बार बार हमलों के बीच चीन पाकिस्तान पर चीनी सुरक्षा एजेंसियों को अपने नागरिक की सुरक्षा की अनुमति देने के लिए दबाव बनाया। शरीफ से मुलाकात में सी ने कहा कि चीन और पाकिस्तान अच्छे दोस्त, अच्छे साथीदार और अच्छे भाई हैं और उन्होंने इस उथल पुथल वाली दुनिया में एक दूसरे का समर्थन करके मजबूत दोस्ती प्रकट की है। उन्होंने कहा, चीन ने दोनों देशों के रिश्ते को हमेशा रणनीतिक महत्व तथा दीर्घकालिक नजरिए से देखा है और पाकिस्तान को अपने पड़ोस से संबंधित कूटनीति में हमेशा प्राथमिकता में रखा है। सी ने कहा कि चीन चौतरफा रणनीतिक सहयोग को बढ़ाने, नए युग में साझा भविष्य के लिए चीन पाकिस्तान समुदाय के निर्माण को गति प्रदान करने तथा सदाबहार रणनीतिक सहयोग साझेदारी में नई ऊर्जा भरने की दिशा में काम करना चाह रहा है। उन्होंने कहा, दोनों पक्षों को परियोजनाओं के निर्माण को और अधिक प्रभावी तरीके से बढ़ावा देने के लिए तथा इसे BRI की उच्च गुणवत्ता वाली विकास परियोजना बनाने के लिए CPC के संयुक्त सहयोग समिति की प्रणाली का सदुपयोग करना चाहिए। हालिया खबरों में कहा गया है कि चीन CPC में देरी को लेकर बहुत नाखुश है। इस पर शरीफ का कहना है कि नई समय सीमा में पूरा करने के लिए इसे प्राथमिकता दी जाएगी।